दोस्तों, अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों, संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराज़गी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सज़ा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही। साथ ही कई ऐसे मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या? यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉटस्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है? यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी ज़िंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं
यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराज़गी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सज़ा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही। साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या? यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉटस्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है? यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमाघरों के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि
क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराजगी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सजा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही। साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या? यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है? यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमाघरों के बाद डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है।
यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों, संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराजगी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सजा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही, साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी ज़िंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में।
तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों, संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराजगी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सजा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही, साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉटस्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें, तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी ज़िंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप
काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराज़गी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सज़ा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही। साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से
लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराज़गी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से ज़मीन पर गिरना, अपनों को खोना,
आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सजा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही। साथ ही कई ऐसे मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो
तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराजगी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सजा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही। साथ ही कई ऐसे मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या? यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है, संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है? यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों, संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराजगी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सजा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही। साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या? यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है, संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है? यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ
सिनेमाघरों के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराज़गी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सज़ा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही। साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉटस्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ
शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराज़गी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से ज़मीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सज़ा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही। साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी
फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या? यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉटस्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है? यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही
मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराजगी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सजा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही, साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर,
संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों, संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराजगी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सजा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही, साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे,
जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराज़गी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सज़ा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही। साथ ही कई ऐसे मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है।
यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराज़गी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सज़ा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही, साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को
मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है? यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू,
संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराजगी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सजा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही, साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमाघरों के बाद डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं।
इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों, संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराजगी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सजा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही, साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो
तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों, संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराजगी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमी पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सजा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही, साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी ज़िंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और
यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराज़गी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सज़ा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही। साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया।
फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है? यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं।
संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराजगी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सजा काटना, कम बैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही। साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का
टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों, संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराजगी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सज़ा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही, साथ ही कई ऐसे मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। तो दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में।
तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों, संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराजगी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सज़ा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही, साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी।
तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराज़गी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सज़ा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही। साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या? यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है
और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराज़गी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमीन पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सज़ा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से
फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही, साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी ज़िंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आप संजू मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संजू मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगी, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जून 2018 में रिलीज हुई हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा मूवी संजू। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस मूवी के अंदर हमें रणबीर कपूर, संजय दत्त, विक्की कौशल, सोनम कपूर, परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी को IMDB पर 10 में से 7.6 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। 44% रोटेन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। यह मूवी का बजट 100 करोड़ का था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 586 करोड़ का टोटल कारोबार किया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित रही थी। दोस्तों संजू मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको संजू
नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को ही मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के बारे में तो दोस्तों, इस मूवी का प्रीमियर हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है स्टार गोल्ड नेटवर्क पर। संजय दत्त के जीवन पर आधारित है संजू। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी के साथ 3 फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने जीवन से जुड़े किस्से हिरानी को सुनाया करते थे। एक दिन हिरानी को आइडिया आया कि क्यों न किस्सों पर फिल्म बनाई जाए, क्योंकि कई ऐसी बात है जो लोग नहीं जानते हैं। संजय दत्त के ड्रग के किस्से, पिता से नाराजगी, माँ को खोना, स्टार बनना, ऊंचाइयों को छूना, आसमां से जमी पर गिरना, अपनों को खोना, आतंकवादी होने का आरोप लगना, मुकदमा चलना, जेल जाना, सजा काटना, कमबैक करना, कई शादी करना, ये तमाम किस्से फिल्म में देखने को तो मिलेंगे ही, साथ ही कई ऐसी मज़ेदार और दिल तोड़ने वाले प्रसंग भी फिल्म में देखने को मिलेंगे कि आप पूछ बैठेंगे, वाकई ऐसा होता है क्या। यह अविश्वसनीय कहानी जो कि सच है संजू में बयां की जाएगी। संजू मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यह मूवी आपको देखने को मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ हॉट स्टार पर। राजकुमार हिरानी ने अपने राइटर दोस्त अभिजीत जोशी के साथ मिलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म संजू लिखी और उसे डायरेक्ट किया। फिल्म बनाने के प्रोसेस में राजकुमार हिरानी काफ़ी वक्त लेते हैं, लेकिन उनका आखिरी प्रोडक्ट काफ़ी कमाल का होता है। रणबीर कपूर को संजय दत्त के रूप में लेने से लेकर फिल्म की रिलीज डेट तक बहुत सारे उतार चढ़ाव और बातें कही गई है। क्या यह फिल्म उन मानकों पर खरी उतरती है और एक अच्छा मनोरंजन दे पाने में सफल है। यह मूवी की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी उस खबर के साथ शुरू होती है जब संजय दत्त को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखने के लिए वे मशहूर राइटर विन्नी अनुष्का शर्मा से मिलता है और अपनी कहानी बताना शुरू करता है। यह मूवी आप स्टार गोल्ड पर देख सकते हो, सोनी मैक्स पर देख सकते हो। यह मूवी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी आपको टेलीविज़न पर भी देख सकते हो और यह मूवी आप काफ़ी जगह हिंदी भाषा में अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा आपको स्टोरी पसंद आने वाली है और संजय दत्त की लाइफ के बारे में यह मूवी आपको बताएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों के बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इस मूवी को देख लीजिएगा। यह मूवी के अंदर आपको काफ़ी धमाकेदार सीन्स देखने को मिलेंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोमांचित करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।